बता रहा है कि इसका एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ ऊपर वाले के एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले के एलसीएफ निकालेंगे, ऊपर वाले के एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर ये होगा। तो देखते ही आंसर कैसे बताएंगे, एग्जाम में देखते ही आंसर का टिक कैसे लगाएंगे, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। मैं कोई इसे याद नहीं करके रखा हूँ, मैं तो यह सवाल को देखा और इसका आंसर पता चल गया। कैसे पता चला, तो मैं अभी इसको सोल्व करता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, कलम नहीं चलाना, बिना कलम चलाए आप बना सकते हैं, मैं भी कलम नहीं चलाऊंगा। देखिए इस सवाल को सोल्व कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसका एचसीएफ हमको निकालना है, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम जान रहे हैं कि एचसीएफ जो होता है, उस जो जिस जिस अंक का एचसीएफ निकालते हैं, तो जो सबसे बड़ी अंक होता है उससे छोटा ही होता है एचसीएफ, जो अंक होता है उससे छोटा होता है एचसीएफ। तो भाई मेरा सबसे बड़ा अंक 6 है, तो 6 से बड़ा तो एचसीएफ हो नहीं सकता है। 3 मेरा जो है कैंसिल हो गया, क्योंकि 6 से ज्यादा एचसीएफ होगा नहीं, तो ऊपर वाले का एचसीएफ 48 होगा नहीं, ये गलत हो गया। दूसरा ए भी गलत हो गया, क्योंकि 6 से ज्यादा है 24 है, जो कि एचसीएफ हमेशा 6 से कम ही होगा। तो मेरा 2 ऑप्शन बच गया, तो 2, 4, 6 ये डिवाइड वाले संख्या है, तो डिवाइड वाले संख्या का एचसीएफ 1 नहीं होता, इसलिए ए भी कैंसिल हो गया। तो लास्ट आपका आंसर बच गया, यही आपका आंसर है 2/5। मतलब इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो 2, 4 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1, 2 और यहाँ 3। अब डिवाइड नहीं होगा, तो जो सबसे आगे बचता है कॉमन संख्या जो होता है वही एचसीएफ होता है। तो देखिए दोस्तों, बिना कलम चलाए कैसे हम परीक्षा में हिसाब को सॉल्व करते हैं, या बहुत सारे हिसाब ऐसे बताएंगे आपको जो कि आपको कलम चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और परीक्षा में आप आसानी से सवाल को बना सकेंगे। तो ये रहा है आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में आने वाले सवाल। तो इसका आंसर जो है, बिना कलम चलाए आप इसका आंसर बताएं, क्या होगा इसका आंसर, मैं इसका आंसर बिना कलम चलाए बताता हूँ। ये है, मैं कोई सवाल को याद नहीं किया हूँ, आंसर को याद नहीं किया हूँ, बल्कि इसका कोई आसान तरीका है समझने का, पकड़ने का। तो इसका आसान तरीका क्या था कि, और इसका और इस दोनों मिलकर के 1 होगा, फिर 2 और 10, 1 और 1089 मिलकर के 1 होगा, 102 और 1088 मिलकर के 1 होगा, तो बीच में एक संख्या मेरा बच जाता है, 1045 बच जाएगा। 1045 का मान भी 1 होता है, टोटल 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई डॉट सभी मिलकर के 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इसका आंसर 1 हो गया। क्या 101 और 1089 मिलकर के 1 कैसे होता है, तो मैं बताता हूं कि 101 डिग्री 1089, इसको जो है इसका फॉर्मूला होता है 1090 में कितना घटाएं कि 89 हो जाए, तो 1019 में 1 घटाएं तो 89 हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला पे आ गया, और इसका जो फॉर्मूला होता है 1090-1 का फॉर्मूला होता है कोट थीटा। तो कोट यहाँ, तो थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर 1 है, तो थीटा की जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया। तो फॉर्मूला हो गया 101 और कोट 1 मिलकर के, 101 थीटा और कोट 1 थीटा का फॉर्मूला होता है 1, इसलिए इस दोनों मिलकर के 1 होता है, 2 और 81 मिलकर 1 होता है, सभी मिलकर के। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको समझने के बाद जो कॉन्सेप्ट है समझ कर रखने, परीक्षा में आप बिना क्रम चलाए आंसर आप ला सकते हैं। फिर आ गया मैं एनटीपीसी एग्जाम के सवाल को लेकर के, रहा आपके एनटीपीसी माने वाले सवाल जो है, मैं अमन कुमार असिस्टेंट लोको पायलट जो कि आपको सवाल को बता रहा हूँ। इस तरह की सवाल में, इस तरह की क्वेश्चन जो है आपके सवाल में आते ही रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बता दूँ कि इसका आंसर बी होगा, 16:2/3। क्वेश्चन है कि 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है, यदि मिश्रण में 3 लीटर और पानी मिलाया जाता है, मिश्रण में 3 लीटर और पानी मिलाया जाता है, नए मिश्रण में अल्कोहल क्या होगा, अल्कोहल क्या होगा। अभी अल्कोहल क्या है, अल्कोहल 1 का रेशियो है, तो मैं जान रहा हूँ कि 1:4 इक्वल टू टोटल कितना हो गया 5 का मतलब हो गया कि 15 लीटर टोटल कितना है, मिश्रण 15 लीटर है, तो 1 का मतलब क्या हो गया 3 लीटर, तो ये हो गया 3 लीटर और ये हो गया 4, 12 लीटर, और कितना मिलाना है पानी 3 लीटर और मिलाना है, कितना हो गया टोटल 12, 3, 15 लीटर, यानी कि रेशियो जो है 3 और 15 का रेशियो बनेगा, इसको कट करेंगे, कहने का मतलब कि हो गया टोटल हो गया 15, 3, 18 लीटर, 15 प्लस 3 कितना हो गया 15 प्लस 3 18 लीटर, और 18 लीटर पानी में कितना अल्कोहल है 3 लीटर है, तो 16 लीटर में कितना होगा अल्कोहल, क्योंकि परसेंटेज 100 पे निकाला जाता है, तो 3/18 × 100 कर देंगे, तो 36 यानी कहने का मतलब 16:2/3 आंसर आ गया। मैं इस तरह से सोच लिया था कि ये हो गया 3 और 12 का रेशियो, 3 मिला के 18 होगा, 18 जो है 100 को डिवाइड नहीं करता है, डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब है कि पूर्णांक में आंसर निकलेगा। तो इस तरह से मैं सोच करके आपको आंसर बताया था। तो ये सवाल आपके एनटीपीसी में मैं लेकर के आया हूँ, अमन कुमार असिस्टेंट लोको पायलट,
तो आपके सवाल है, दो लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात दिया 2:3 है और उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या है, 4:5 है, तो उससे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर बताएं जल्दी से कमेंट में क्या होगा। ये दोस्तों आपका आंसर है फर्स्ट नंबर, तो बिना कलम चलाए कैसे मैं आंसर बताया, इसके लिए सीखने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखें तो आप भी सीख जाएंगे बिना कलम चलाए कैसे आंसर निकालते हैं। तो मैं कुछ नहीं किया, मैं दोस्तों इसको कर दिया कि 5 × 2 5 × 10 और 3 × 4 4 × 12 10/12 जो आया इसको जो है हमने डिवाइड कर दिया था 5/5 6 का मतलब कि 5:6 आ गया। तो इस तरह से कैसे आया मैं इसको डिटेल से बताता हूँ, तो इसका कुछ नहीं है, बेलन की अतिलंबवर्ती बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, पहला का H1 दूसरा का 2πRh2 हो गया। तो ये रहा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो ये 2π कैंसिल हो गया, आर का मान दिया हुआ था 2, आर का मान है फर्स्ट का 2, दूसरा का 3 और ऊंचाई है 5/4, इसको मैं 5 × 10 और 4 × 12 करके कैंसिल कर दिया, 5 × 12 6 निकल गया। तो इस तरह की ट्रिक था जो कि आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखे आपका आंसर आ गया। तो इस तरह की फॉर्मूला भी कुछ याद कर, बेसिक जो रूल है उसको भी याद रखना है, उसको याद रखने के बाद आप सवाल को बिना कलम चलाए आप परीक्षा में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह मैं मुझे किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह का मैथ में कोई प्रॉब्लम जो जनरल कंपटीशन का होता है नहीं आया है, मैं अभी जॉब में हूँ।